हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये देखिए, यहाँ पे तैयारी हो गई डॉक्टर के यहाँ जाने की, और यहाँ पे दोनों ने किया है मैच। तीनों ने किया है मैच। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाय। और यहाँ देखिए मम्मी जो है बारिश को देख रही हैं। मम्मी ने भी इतना मैचिंग इत्तफाकन मैचिंग हो गया। सो गाइज, अपर्णा आकाश मम्मी को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, न्यूरो सर्जन के पास, जो बहुत टाइम से डिले था और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाके, मैंने कहा जाके आप बात बात करके आइए। या जाने का मन तो मेरा भी है, बट मुझे कोई लेके नहीं जा रहा है। दैट्स नॉट डन। सो बारिश, इस मंथ में बारिश का मज़ा कुछ और ही है। पता नहीं कहाँ से आ गई, बट ठीक है, ऊपर वाला मेहरबान, तो हम क्या करेंगे, जैसा ऊपर वाला चाहे। बस सब लोग सही सलामत रहें, अपने अपने घरों में अच्छे से रहें, खुश रहें। और मम्मी की बागबानी, कुछ टाइम में ही मम्मी की बागबानी एक जगह सेट हो जाएगी, कुछ दिनों में ही एक जगह, ताकि ये सारा। पर ये बॉक्सेस आएंगे उसके अंदर? नहीं, छोटे वाले। हाँ, बट अच्छा लगेगा। थोड़ी सी जगह यहाँ बनाऊंगी ना, खड़े होने की। यहाँ खड़े होने की जगह बनानी है तो हाँ हो जाएगा, वो छोटे वाले तो उसमें फिट हो जाएंगे। एक बड़ा प्लांट। अच्छा लगेगा। उधर चले जाएंगे सारे। सारा अभी तो आप घर खाली करने में लगे हुए, हर सामान मुझे बोलती है मम्मी, जाओ लाओ लेके जाओ अपने घर, जाओ लेके। काफी निकाल लिया, काफी और निकलेगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चंद्रा का एक कमरे का घर है, कवर भर दिया मैंने दीदी। चंद्रा इज गाइज हमारी एक आंटी हैं, जो हमारे घर में बेसिकली परिवार ही हैं वो, और पिछले 15 सालों से हमारे घर में पूरा अपना प्यार दिखाती हैं, हमारी देखभाल करती हैं बहुत अच्छे से। और तो मम्मी यही बोल रही है कि आपने पूरा घर भरा हुआ है और अभी तो और भरेगा, अभी तो और सामान निकलना है। अच्छी बात है, ऐसी भगवान करे हम ऐसे ही करते रहें जितने लोगों की हेल्प हो। तो ये देखिए, अभी तो मेरा भी घर भरने वाला है मेरे ही सामान से। तेरे यहाँ से भी निकालना सामान? हाँ, मेरे यहाँ से भी फालतू का सामान निकलेगा। चार पांच सूट केस ना, बहुत निकलेगा सामान। बट चलो अभी ठीक है, अब अपने घर से निकलेगा। अब मुझे बार बार रेंट के घर में इधर उधर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं। बड़े बाप रे, बहुत घर शिफ्ट किए हैं, थक गए थे सीरियसली। पर चलो अच्छा है, इट्स नाइस। ये यहाँ ये भी पेंट होने वाली है बिल्डिंग, ये भी, ये तो बेस्ट है, ये अपना प्रॉपर। और ये तो बेस्टेस्ट है, ये देखिए हीरो। बाय। वीडियो में हमें ग्रीनरी कितनी सुंदर है। सो गाइस, मैं और कोको पिछले 2 घंटे से सबका वेट कर रहे हैं, सब लोग आए फैमिली वाले। काफ़ी बोरियत हो रही है अकेले। गो गो। क्या चल रहा है यहाँ पे? गाना चल रहा है। क्या हो गया? गुड बॉय है मेरा। यूवन, आपके पापा को क्या हुआ? क्या हुआ पापा को? पापा को क्या हुआ? पापा को कमर, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइस, आकाश लेके गया था मम्मी को डॉक्टर के यहाँ पे, और अचानक से उसकी मसल फुल हो गई है बैक की। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, यूजुअली उसके साथ कभी लाइफ में ऐसा होता नहीं है। एंड इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से फुल हुई है कि वो लिटरली सब छोड़ छाड़ के सीधा कार में जाके लेटा है काफ़ी देर तक। एंड मैं यहाँ सबका वेट कर रही हूँ, यार इतना लेट हो गया, इतना आए नहीं। मुझे फ़ोन करना ही पड़ा, पूछना पड़ा। ही इज़ हैविंग सीवियर पेन इन इज़ बैक। वेरी स्ट्रेंज है, कभी लाइफ में जिसे कहते हैं कभी कुछ भी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। बट एनी वेज, अभी ही इज़ रेस्टिंग राइट नाउ। जाके मैं देखती हूँ, पता लेती हूँ। छोड़ दो उसको, दवाई लगा रही हूँ। छोड़, कोई बात, कहाँ जाएगा ये? हाँ चलो, चल के दिखा दो। वो ऑयल दिया आपने, वो वाला नहीं, जो मैं ट्यूब है वो लगा रही हूँ। अच्छा, चलो
चलो चल के दिखा दो। चलिए देख के आते हैं, चेक करके आते हैं। ऑफकोर्स ही इज नॉट अ कैमरा फ्रेंडली, वो अपना पर्सनल लाइफ में रहना ज़्यादा पसंद करता है आकाश, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बट मैंने आपको अपडेट कर दिया कि ये हाल ही में सब लोग लेट इसलिए आए। डिनर वगैरह हो चुका है, लेट्स सी आज प्रिंस आएगा मिलने के लिए, मुझसे नहीं आएगा, क्या है सीन। चलो चलो चलो, इस वक्त वो जिम में है और मैं सोच रही हूँ फ़ोन करके पर घर देखा हूँ, नहीं तो फिर मैं कल जाऊँगी। लेट्स सी जो कुछ भी प्लान है। और इन्हें देखिए, सो गाइस डिनर हो गया है और डिनर के बाद आजकल पता है मुझे क्या एक नया भूत चढ़ा है। ऑफकोर्स पूरी प्रेगनेंसी में मम्मी ने अलग अलग तरह के मुझे लड्डू खिलाए हैं, हर फेज़ के हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अभी जो रिसेंट में जो मम्मी ने लड्डू बनाए हैं यार, ओहो हो, बेसन के इतने टेस्टी हैं कि मैं उनको रात रात में भी खाती हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि होए अभी क्या होगा, मैं पतली कैसी होंगी, क्या होने वाला है मेरा गाइस, पता नहीं, भगवान भरोसे है। लेकिन कहते हैं ना कि इस फेज़ का मज़ा जितना लिया जा सकता है मैंने भरपूर लिया है। मम्मी आपने जो मुझे बिगाड़ा है खिला खिला के, लड्डू बनाओ ये बनाओ वो खिलाओ, आपने मतलब पूरी कसर पूरी कर दी है खिला खिला के। खाना ज़रूरी होता है, खाना ज़रूरी होता है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है गाइस, अगर मेरे सामने बहुत सारा ला के रख देना तो मुझे नहीं खाया जाता। शी इज़ मेकिंग फ्रेश एवरी 15 डेज, वो फ्रेश बनाती हैं अलग अलग तरह का टेस्ट के हिसाब से, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसलिए खाने का मन करता है। बीच में भी थोड़ा बोर हो गई थी, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अब दोबारा से शी इज़ लाइक, मैंने मना किया था अब मत बनाना, बट अगेन उन्होंने बनाया, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। सो गाइज आप क्या, आप लोगों का भी मेरी तरह यू नो कंडीशन ऐसा है कि आप खाना कंट्रोल करना चाहते हो मतलब, पर कंट्रोल नहीं कर पाते। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से हर खाने का स्वाद लूंगी। बाद में पता चलेगा ये सब निकालना पड़ेगा, बट एनीवेज कहते हैं ना शुरू से ही कि आपको ये चीज़ें खानी चाहिए, तो मैं खा रही हूँ वो पुरानी चीज़ें, काफ़ी हद तक खाने में फॉलो कर रही हूँ। और ऑफकोर्स एक्सपीरियंस रहता है माँ के पास तो एक अलग बात होती है, और माँ के हाथ का प्यार ही अलग होता है यार। तो इस चक्कर में मैंने कहा ले लो मज़े यार, जब तक माँ के घर हैं खा लो पी लो, उसके बाद डाइट करनी है बस, बहुत जाएगा, नहीं कंट्रोल करना पड़ेगा गाइस, बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिन रात दिन रात दिन रात। मैं प्रिंस को बोल रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं मेरी खाने की जो टंग है वो रुके ही ना आफ्टर डिलीवरी, तो आई डोंट नो क्या होगा, नो आइडिया, बट आई एम गोना कीप डाइटिशियन फॉर माई डाइट आफ्टर डिलीवरी। जो जो चीज़ें खानी होती हैं उस हिसाब से मैं खाने वाली हूँ, और आपको भी बताऊँगी मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं किस डाइटिशियन को रख रही हूँ, वो मुझे क्या दे रही है। सो कोशिश करूँगी मैं डेली बेसिस पे अगर मैं ब्लॉग बना पाई हो तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या खा रही हूँ एंड किस तरीके से मैं वेट वापस अपना मेंटेन कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होगा, मुझे स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वेट से ज़्यादा मेरे अंदर ताकत रहे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी। एंड एंड ऑफ द डे आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ है जैसे मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगी मैं ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ें खुद करने लग जाती हूँ, पता नहीं कुछ तो होता है। और जैसे मैं मम्मी के यहाँ आती हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ, रिलैक्स रहती हूँ। कभी कभी मन किया तो मैंने कुछ स्पेशल चीज़ बनाने, वो बात अलग है, लेकिन एक जो रिलीफ आपकी माँ के घर के अंदर आके मिलता है ना, आप ऐसे हो जाते हो फ्री। एंड आई थिंक ये सबके साथ है, ये हर लड़की के साथ है, आप शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। जैसे ही मैं यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होंगी, दूसरे घर, वहाँ जाती हूँ मैं ऑटोमेटिकली किचन में जाना शुरू कर देती हूँ। आई हैव नो आइडिया वाई, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, यू नो। सो या तो वहाँ जाके आई एम श्योर मैं अपनी डाइट वगैरह का खुद ही ध्यान रखने वाली हूँ। ऑफकोर्स मेरे घर वाले भी आते जाते रहेंगे, बट खुद ही अब हैबिट डालनी है वहाँ जाके, तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि वहाँ जाने के बाद मुझे सारा काम खुद करना है, और हेल्प भी रहेगी लेकिन सामने हेल्प को बताना भी एक ड्यूटी होती है, कैसे करना है कैसे है। सो अब मेरा दिमाग वैसे भी चलने लगा है कि आने वाले टाइम में बहुत काम होगा,
बहुत चीजें देखनी होगी। अभी तुमने बेटा जितने मजे लेने थे ले लिए, अभी तो बच्चा भी आराम से रिलैक्स कर रहा है, बाहर आने के बाद वाह वाह ये काम वो काम ऐसे वैसे, ओ गॉड। बट चलिए, सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ बहुत सारी चीजों के लिए कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करूं और खुद ही चीजें अपने आप करूं। एक्सपेक्ट मतलब अगर इमोशनली आप बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हो, मैंने सुना है। सो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, आई विल बी स्ट्रांग एंड स्ट्रांगर। सो लेट्स सी। सो फाइनली मैं बिग बॉस देखना शुरू कर दिया गाइज, और आज मैंने एक एपिसोड खत्म किया। लेट्स सी कैसे रहने वाला है आगे चल के। इसी बात में बोलना चाहती हूँ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू एंड आई विल सी यू टुमारो, लव यू।